नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में लखनऊ नगर निगम का नाम एयर इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर आया। उड़ीसा में महापौर संयुक्ता भाटिया को सम्मानित किया गया और राजधानी वापस लौटने पर महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी बधाई के पात्र बने। दोस्तों 1.5 करोड़ रुपया तो ये पुरस्कार मिला है, साथ ही जो केंद्र से नगर निगम को 100 करोड़ की एकमुश्त राशि आती है वो भी अब बिना किसी कटौती के मिलेगी। इस बीच में इन दोनों के आने के बाद पिछले दिनों जो 75 घंटे का जो प्रोग्राम चलाया गया उसमें 142 कूड़ा घर एकदम से सेल्फी पॉइंट में बदल चुके हैं। लखनऊ नगर निगम और कौन कौन से काम करने वाला है, क्योंकि अब पुरस्कार मिलने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, पुरस्कार से मिली राशि का भी उपयोग करना है। तो हमने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और महापौर संयुक्ता भाटिया से खास बातचीत करके नगर निगम लखनऊ के रोड मैप को जान को लेकर के भी कुछ कह रहे थे आप जी। ट्रैफिक का जो हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस है, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन इसको लेके हमेशा बना रहता है। सिग्नल की लाइट के टाइमिंग को लेके इश्यूज आते हैं, कई बार वो सही नहीं चलती, तो हमारे यहाँ ITMS जो लगा है इससे हम लोग ट्रैफिक के जो हमारे ADCPM से बात करते हैं, CP सर्विस में सहयोग करते हैं। बहुत बार हम लोग उसमें या तो येलो लाइट कर देते हैं ताकि कंटिन्यूस फ्लो रहे, या उसके टाइमिंग को रीसेट करते हैं ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है इस तरह से चले कि वहां पे चोकिंग ना रहे। लेकिन इसमें अभी और काम करना है, इसमें कई जगह रीडिजाइनिंग की भी जरूरत है। कई चौराहे जो है या कई ओपनिंग्स है जिसको बंद करना है, जिसके कारण हमारा ट्रैफिक जाम रहता है। वो सारी चीजों पर वर्क चल रहा है, लेकिन वो जा रहा है हम लोग फेज मैनर में जा रहे हैं, एक साथ सारे नहीं लिए, एक चौराहा पकड़ा उस पर वर्क कर रहे हैं। ये चीजें आपको आने वाले जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोग। सर, क्या ये भी पॉसिबल है कि जैसे अगर हम स्टेशन रोड से शुरू करते हैं जर्नी, उसके बाद एक के बाद एक चौक पड़ते जाते हैं, तो ऐसा कुछ रहे कि एक बार आदमी एक व्हीकल ग्रीन सिग्नल में आ जाती है आगे उसको ग्रीन मिलता चला जाए, कुछ ऐसा? ये जस्ट ये टाइमिंग की सेटिंग का है, आपने देखा होगा सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें ट्रैफिक के साथ बैठ के ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रात में हम लोग यहाँ बैठते हैं तो जल्दी ये चीजें भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक अगर मिला तो उसको लगातार, लेकिन वो ट्रैफिक के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। विषय है कि हमारे हम लोगों ने जो एक संकल्प लिया था जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी, उस समय एक संकल्प लिया था कि लखनऊ शहर को जो 269 रैंकिंग पर था हम लोग नंबर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे, और उसमें आज हम उस गार्बेज में तो हम 17 नंबर पर आए, लेकिन एयर में एयर उसका क्वालिटी प्योरीफायर में हम उसमें आए हैं, नंबर 1 पर आए पूरे भारत में। तो ये हम सबके लिए, लखनऊ शहर के वासियों के लिए सबसे बहुत हर्ष का विषय है और बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे नगर आयुक्त और इन सब का बहुत बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण हम काम जो है वो धरती पर पूरा उतर कर आया और लोगों ने मिलकर इसको काम किया। और उसमें आप सबका, पत्रकारों का भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जब आप लोग हमें गाइड करते हैं, जब आप लिखते हैं तो हमें महसूस, जैसे आपने लिखा कि आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, लखनऊ नंबर 1 पर पॉल्यूशन उसमें, तो उसके दूसरे दिन से ही हमारी पूरी टीम नगर है कि पूरा लग जाते थे कि आज यहाँ छिड़काव करा दो, वहाँ छिड़काव करा दो, पूरी टीम हम लोग गाइड करने लगते थे। नगर है जी तुरंत बैठक बुला लेते थे और कहते थे कि भैया आज से सब लोग लग जाओ, यहाँ छिड़काव होना है, वहाँ पर वहाँ बिल्डिंग बन रही है, वहाँ छिड़काव होना है। तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग बन रही थी धूल उड़ती थी वहाँ पर पानी का छिड़काव कराने के साथ साथ जो हम लोगों ने इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोगों को जो जो संसाधन की आवश्यकता थी वो सारे संसाधनों को जुटाने में सभी लोग उसमें लगे रहे और सबने मिलकर उसमें काम किया। तो आज के दिन मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देने के साथ साथ आप लोगों को इसलिए बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग हमें एक राह दिखाते हैं, साधन जुटाए हमने, तो फंड्स कम होने की वजह से हम संसाधन नहीं जुटा पाते थे। इस बार उन्होंने 14 वित्त का 15 वित्त का पैसा ज़्यादातर इन संसाधनों में लगाया है और 9 करोड़ की हमने स्वीपिंग मशीन खरीदी है जो नाइट में स्वीपिंग करती है। 8 हमारे पास एंटी स्मोक गन है और 40 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें हमने ली हैं जो छिड़काव का काम करती हैं, पानी छिड़कती हैं, और 1500 से ज़्यादा पार्कों का सौंदर्यीकरण उन्होंने किया। अभी आपने देखा था कि 1000 का उन्होंने उद्घाटन किया था, बाकी और हमारी जो पहले रेगुलर काम चल रहे हैं उस पर सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। और एक हमने अटल वन जो बनाया, अटल जी के नाम से, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया, उस पर भी हम वो कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हम पौधे लगवा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम संस्थाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।